इन दिनों तलाक देश में एक मुद्दा बना हुआ है, लेकिन यमुनानगर की एक महिला ने अपने पति के साथ हुए विवाद को लेकर न केवल पति के तलाक नामे को ठुकरा दिया, बल्कि उसे यह एहसास भी दिला दिया कि वह पढ़ी लिखी है और वह इस तलाक को नहीं मानती और तलाक लेना है तो उसे कोर्ट जाना होगा। यमुनानगर के पुराना हमीदा में एक घरेलू विवाद के चलते पति पत्नी के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा था और ऐसे में इन लोगों को समझाने के लिए एक पंचायत भी बैठी, लेकिन जैसे ही पंचायत इन लोगों को समझाने में जुटी तो पति ने गुस्से में आकर तलाक तलाक और तलाक कह दिया। यह तीन तलाक होते ही पंचायत भी दंग रह गई और देखते ही देखते पंचायत में भी खलबली मच गई कि आखिरकार ऐसा क्यों कहा गया। तीन तलाक के बाद पति पंचायत से चलने लगा, लेकिन उसकी बेगम ने भरी पंचायत में ही अपने पति को साफ कह दिया कि वह पढ़ी लिखी औरत है और वह इस तलाक को नहीं मानती, अगर तलाक लेना है तो उसे कोर्ट जाना होगा। पति पत्नी के बीच हुई इस बहस के बाद पंचायत भी वहां से चलती बनी, क्योंकि पति के तीन तलाक के बाद कोई बातचीत का हल ही नहीं बचा था और ऐसे में पत्नी ने भी साफ कह दिया था कि उसके पिता पहले से ही बीमार हैं और माँ इस दुनिया में नहीं है, जबकि भाई उसका विदेश में रह रहा है और पति उसको तीन बार तलाक तलाक की बात कहकर जा रहा है तो वह कहाँ जाएगी। ये वो घरेलू मामला था हमारा, उन्होंने गुस्से में आकर पंचायत इकट्ठे करके तलाक दे दी और मैं इस बात को नहीं मानती, मैं पढ़ी लिखी हूँ, अनपढ़ नहीं हूँ, इन सबको मैं नहीं मानती। मैंने उनको बोला है कि अगर तलाक देने है तो कोर्ट में जाना पड़ेगा, मैं पढ़ी लिखूँ, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। वो मुझे उसी टाइम निकाल देते, लेकिन मैं नहीं गई वहाँ से। ऐसे घर की घरेलू लड़ाई थी हमारी, खर्चे पाने के लिए दिक्कत होती थी। ऐसे उन्होंने बगैर पंचायत बुलाई और कुछ बात नहीं की और ऐसे आके सबको बिठा के पंचायत में तलाक दे दी। इस बात पर सारे पंचायत के खफा होकर उठ के चले गए थे वहाँ से। तीन बार बुलाया उन्होंने, दो तीन बार बुलाया हुआ है। वो बोलते हैं कि तीन तलाक के बाद वो लेडीज घर में नहीं रह सकती, उसको जाना पड़ता है ऐसे, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, ऐसे नहीं जाऊंगी। मैंने बोला है अगर तलाक देनी है तो कोर्ट से दो मुझे। आप फिलहाल घर पे हैं? जी मैं अपने घर पे हूँ, मैं अपना घर बसाना चाहती हूँ, मैं यहीं पे रहूंगी अपने बच्चों के साथ। चाहे कुछ भी हो? जी चाहे कुछ भी हो, वो जो चाहे करे, मैं यहीं पे हूँ। महिला के पति की माने तो इन दोनों के बीच कोई विवाद नहीं है और तलाक की बात तो वह मानते ही नहीं। दोनों में मामूली कहा सुनी हुई थी और पांच आदमी पंचायत के तौर पर इकट्ठे हुए थे। अब दोनों एक साथ हैं और तलाक की बात तो वह मानते ही नहीं, क्योंकि दोनों पढ़े लिखे हैं। हमारा कोई मुद्दा तलाक का है नहीं, हमारा तो एक घरेलू मुद्दा था, उसमें पांच आदमी घर के उनके रिश्तेदार बैठ के हमारे को लड़का लड़की को समझा गए। मेरे दो बच्चे हैं, मियां बीवी में हमारे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई तलाक का मुद्दा है ही नहीं। हमारे को फ्री फंड बदनाम किया जा रहा है। हम दोनों पढ़े लिखे हैं, प्लस टू हैं, हमारे यहाँ को तलाक का मतलब ही नहीं है। नहीं मैं तो नहीं मानता इस चीज को, कैसे मानता हूँ मैं, किसी की लाइफ कैसे मैं खराब कर सकता हूँ, मैं तो नहीं इस चीज को मानता कभी भी। वो सिर्फ एक अफवाह है, मेरी बीवी आज भी मेरे साथ है, अभी भी मेरे साथ है, मेरे बच्चे मेरे साथ है, वो अफवाह सिर्फ अफवाह है, रिश्तेदारी को बदनाम किया जा रहा है और कुछ भी नहीं है। मैं तो कभी इस चीज को मानते नहीं, तलाक होता क्या है। जबकि पुलिस तक भी इन तीन तलाक की बात पहुंच चुकी है, पर अपनी कौम की बात होने के कारण पुलिस ने इस तलाक के मामले को छोड़कर मामूली कहा सुनी की शिकायत दर्ज की है और दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास कर रही है। वह इस मामले में अब पंचायत ने भी चुप्पी साध रखी है और ऐसे में पंचायत कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। हमारे पास तो गुलजार है जो रुबीना का पति है, उसने कंप्लेंट दी थी। रुबीना और उसके एक पड़ोसी ने मिलकर उसके साथ मारपीट की है, उसके बारे दोनों पक्षों को कल बुलाया गया था, दोनों पक्ष टाइम लेके चले गए। कोई तीन तलाक के बात सामने नहीं? नहीं हमारे कोई पास नॉलेज में नहीं है। तो क्या जानकारी में है कि ये उनके तलाक का कहा गया, वो क्या? वो तो उनका अपना फैसला है, कोई हमारे कोई हमारे को नॉलेज। हमारे पास कल पंचायत हुई थी, पंचायत में ये बात तो लड़की ने बताई थी हमारे को थोड़ी बहुत सी, क्या? भी मेरे साथ मेरे पति कहते हैं मैं तलाक दे दूंगा आपको। उसके बाद वो लड़की बोली मैंने कोर्ट के माध्यम से तलाक लेना है, ऐसे नहीं है, पंचायत के माध्यम से कोई तलाक नहीं मिलेगा। तो पढ़ी हाँ पढ़ी लिखी है लड़की, 10वीं पास है। दोनों के बीच हुई बातचीत के बाद मामला थाने में भी पहुंच गया, लेकिन यहाँ तो बिरादरी की बात थी, लेकिन महिला का तो साफ साफ यह कहना था कि वह पढ़ी लिखी है और ऐसा क्यों करेगी।
जबकि महिला का यह फैसला इन महिलाओं के लिए भी है जो पति के 3 तलाक के बाद अपनी जिंदगी को नरक बना लेती है। हर तरफ आजकल 3 तलाक को लेकर विवाद उठा है, पर यमुनानगर में महिला ने एक मिसाल कायम की है जिस पर लोग भी इस महिला की बात करते नहीं थक रहे। यमुनानगर से राजीव जौली की रिपोर्ट।